तालियों की आवाज जरा जोर से आए तो आज यहाँ पे इतनी भारी संख्या में इकट्ठे हुए सभी भाइयों बहनों माताओं बुजुर्गों बच्चों आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, आप सब लोगों को मेरा प्रणाम। आज बहुत खुशी का दिन है कि यहाँ पे इतनी बड़ी संख्या में शौचालय और नहाने की व्यवस्था आज की जा रही है। कई साल पहले मैं झुग्गियों में काम किया करता था, कई महीनों तक मैं खुद भी झुग्गियों में रहा था। उस वक्त हम देखा करते थे सबसे ज्यादा तकलीफ झुग्गियों में शौचालय ना होने की वजह से महिलाओं को होती है। महिलाओं को जब खुले में जाना पड़ता है, नहाने की व्यवस्था नहीं होती, इसकी वजह से उनकी सुरक्षा को खतरा होता है और सबसे ज्यादा तकलीफ उन्हीं को होती है। तो आज ये शौचालय और नहाने की व्यवस्था खुल जाने से वैसे तो सबको फायदा होने वाला है, सबको सहूलियत होने वाली है, लेकिन मैं समझता हूं सबसे ज्यादा महिलाओं को इसकी सहूलियत होने वाली है। अभी तक जितने भी ये शौचालय थे इनमें सरकारी प्रावधान था कि इस्तेमाल करने के लिए एक एक रुपया लिया जाता था, लेकिन पता चला ठेकेदार दो दो रुपए लेता था। अब एक गरीब आदमी दो रुपए एक बार जाने के देगा तो एक दिन में उसके 15-20 रुपए तो परिवार के इसी में चले गए। तो सरकार ने निर्णय लिया है 1 जनवरी से ये सारे शौचालय और सारे नहाने की व्यवस्था मुफ्त कर दी जाएगी, अब एक भी पैसा नहीं लिया जाएगा। दूसरा, अभी तक ये व्यवस्था थी कि ये टॉयलेट दिन में खुला करते थे और रात में बंद हो जाया करते थे। हम लोगों को पता चला कि रात में जनता को बहुत तकलीफ होती थी, रात में अगर शौचालय जाना हो तो फिर खुले में जाना पड़ता था और रात में महिलाओं की सुरक्षा को और ज्यादा खतरा है। तो इसलिए अब यह निर्णय लिया गया है कि 1 जनवरी से दिल्ली में ये जितने शौचालय हैं ये 24 घंटे चला करेंगे और रात में बंद नहीं हुआ करेंगे। तीसरी बात, जिस दिन इनका शौचालय का उद्घाटन होता है उस दिन तो इस पे फूल भी लग जाते हैं, चमाचम करते हैं ये, उसके बाद फिर इनकी साफ सफाई भगवान भरोसे हो जाती है कि नहीं है? इसकी देखो जी सफाई करने की, आपका टॉयलेट है ये सरकार का नहीं है, इसको सरकार का मत मानना। इसको सरकार का मानोगे तो अगले दिन ना तो टूटी मिलेगी ना वहां पे कुछ मिलेगा, आप ही का टॉयलेट है, आपके लिए बनाया है, आप इसको साफ रखोगे अच्छा रखोगे तो ये चलेगा, आप इसको साफ नहीं रखोगे तो ये खराब हो जाएगा। फिर भी मेरी पहली तो आप लोगों से गुजारिश ये है कि आप अपनी तरफ से जब भी जाओ तो वहां पे सफाई करके आना, आप इस्तेमाल करने के बाद उसको अच्छे से साफ करना। लेकिन फिर भी आज यहाँ पे हमारे स्लम डिपार्टमेंट के सारे ऑफिसर हैं, मैंने इनको सख्त निर्देश दिया है कि इनको पूरी पानी की व्यवस्था करनी है हर टॉयलेट के अंदर, ताकि पानी की कमी नहीं होनी चाहिए और सफाई पूरी रहनी चाहिए। अगर कोई ठेकेदार सफाई ना करे तो हम उसका ठेका तुरंत कैंसिल कर देंगे, नया ठेकेदार ले आएंगे। ऐसा ठेकेदार मंजूर नहीं है जो कि टॉयलेट को खराब रखेगा। अगर यहाँ पे सफाई ना हो तो आप लोगों को भी चुप नहीं बैठना, तुरंत विधायक जी के दफ्तर में जाके शिकायत कर देना, हम इसको बात की इंश्योर करेंगे कि ठेकेदार ठीक से काम करे और टॉयलेट को साफ रखे।
तो ठेकेदार से भी काम कराना है और आपकी भी जिम्मेदारी है कि टॉयलेट के सारे ठेके सारे देने साहब। दूसरी बात, पूरी दिल्ली में आपके लिए स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था कर दी है। घर में कोई भी बीमार होता है हम लोग अस्पताल लेके जाते हैं, आज किसी का भी इलाज कराना बहुत मुश्किल हो गया। छोटी सी बीमारी हो जाए हजारों रुपए खर्च हो जाते हैं दवाइयों में टेस्टों में। अब हमने दिल्ली के सारे सरकारी अस्पतालों में सारा इलाज मुफ्त कर दिया, सारी दवाइयां मुफ्त कर दी, सारे टेस्ट मुफ्त कर दिए। भगवान ना करे आपके घर में कोई बीमार हो, लेकिन अगर आपके घर में कोई बीमार हो जाए तो दिल्ली सरकार के जो अस्पताल हैं, जैसे आचार्य भिक्षु है, दीनदयाल उपाध्याय है, ये दिल्ली सरकार के अस्पताल हैं। ऑल इंडिया मेडिकल दिल्ली सरकार का नहीं है, सफदरजंग दिल्ली सरकार का नहीं है, जो दिल्ली सरकार के अस्पताल हैं वहां सारा कुछ मुफ्त है। तो आचार्य भिक्षु में, दीनदयाल में, वो आपके यहाँ पे पड़ोस में है, वहां पे सब कुछ मुफ्त है। अगर कोई पैसे मांगे तो तुरंत विधायक जी के पास चले जाना, और अगर किसी चीज की तकलीफ हो, जब से हमने मुफ्त किया है वहां पे लाइनें बड़ी लंबी लंबी लगने लग गई हैं, उसका भी इंतजाम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर किसी चीज की कोई तकलीफ हो, घर में कोई बीमार हो जाए और किसी चीज की तकलीफ हो, चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम लोग हैं, सरकार है आपके लिए, आप तुरंत विधायक जी के पास आ जाना, विधायक जी आपका पूरा इलाज, कोई भी बीमार होगा आपके घर में, विधायक जी आपका पूरा इलाज मुफ्त में कराएंगे, कोई पैसा खर्चने की आपको जरूरत नहीं है। तीसरा, मैं यह देख रहा हूं बहुत सारे युवा लड़के लड़कियां खड़े हैं। पहली चीज तो मैं ये चाहता हूं, यहां जितने भी बच्चे हैं अपने बच्चों को पढ़ाना जरूर, पढ़ाओगे तो ये बच्चे बड़े होकर डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, आपकी गरीबी दूर करेंगे, और अनपढ़ रह गए तो आपकी तरह ये भी झुग्गी में रहेंगे। पढ़ाई कराओगे, पढ़ाई से आप अपने बच्चों का भविष्य ठीक कर सकते हो। अगर किसी बच्चे का एडमिशन ना होता हो तो सरकारी स्कूलों में विधायक जी एडमिशन कराएंगे, विधायक जी के पास ले आना अपने बच्चे को, आपके बच्चे का एडमिशन कराना हमारी जिम्मेदारी है, स्कूलों में एडमिशन हम कराएंगे, कोई भी बच्चा स्कूल के बाहर नहीं होना चाहिए। और जितने बच्चों ने 12वीं पास कर ली, किस किस ने 12वीं पास कर ली, आप खड़े करो जरा, जिन्होंने 12वीं पास कर ली, अगर कॉलेज में एडमिशन लेना है और पैसे नहीं है तो अब सरकार आपको लोन देगी। पहले जब आप लोन लेने जाते थे तो बैंक वाले कहते थे जमीन गिरवी रखो, घर गिरवी रखो। अब एक गरीब आदमी के पास तो जमीन घर कहां से आएगा, अब आपको कुछ गिरवी रखने की जरूरत नहीं है। जितने बच्चों ने 12वीं पास कर ली, मेरी आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, सारे कॉलेज में एडमिशन लेना, और आपके पैसे की जिम्मेदारी सरकार करेगी, आपको लोन दिलवाएगी, एक फॉर्म भर देना, आपको लोन मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें भी विधायक जी आपकी मदद करेंगे। और आखिरी बात, जितने लोग झुग्गी में रह रहे हैं, अगले महीने से उनके लिए मकान बनाने शुरू कर दिए हमने दिल्ली के अंदर, अभी मैं हमारे जो स्लम बोर्ड के सीईओ हैं उनसे बात कर रहा था, वो बता रहे हैं अगले महीने से टेंडर शुरू हो रहे हैं और जगह जगह पूरी दिल्ली के अंदर झुग्गी वालों के लिए मकान बनने शुरू हो जाएंगे। जहां आपकी झुग्गी है उसके आसपास 4-5 किलोमीटर के दायरे में हम जगह देख के आप लोगों के लिए मकान बनाना शुरू कर देंगे, और जैसे जैसे आपके मकान बनते जाएंगे आप अपनी झुग्गी में से पक्के मकानों में चले जाना। और मैं उम्मीद करता हूं जल्द से जल्द मकान बन जाए ताकि आप लोग सब लोग इज्जत की जिंदगी जी सको। आज आप सब लोगों के बीच में आके मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर से अंत में यही कहूंगा, ये
जो टॉयलेट बने हैं इनको साफ सफाई रखने की जिम्मेदारी आपकी है, हम सब लोग मिलकर इनको साफ रखेंगे तो ये हमारे काम आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।